सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, तो आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा। वीडियो में मैं आपको वीवो V9 का गिव अवे करने वाला हूँ। वैसे मेरी KTM खड़ी है इधर, मेरी KTM जो कि अभी थोड़ी सी गंदी हो गई है। क्या है कि मैं राइड पे गया हुआ था तो कुछ ज़्यादा स्पीड से चला गया था राइड पे। 20 अगस्त 9 वाला राइड तो आपने देख ही लिया था, बट उसके बाद भी अगर राइड पे गया हुआ था, अगर उसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं उसका भी वीडियो आपको बना के वीडियो बना रखी अपलोड कर दूँगा। सो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं गिव अवे की ओर। तो जैसा कि ये रहा वीवो V9, ये कहाँ से आया वो सब मत पूछना, बस इसका गिव अवे करना है मुझको। सो इसको रख देते हैं अपनी KTM की टैंक पे। हाँ तो यहाँ है वीवो V9 और इसका गिव अवे करते हैं। सो पहले बता दूँ कि इसका रिज़ल्ट, मतलब जो विनर होगा उसका रिज़ल्ट आने वाला है संडे को 12 अगस्त को शाम को रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि सुबह मैं जा रहा हूँ राइड पे। वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। सो लेट ना कर, तो इसको पहले बता दूँ कि इसमें मिलेगा क्या आपका, ठीक है। सो ये है पूरा फ़ोन का लुक, डब्बा मतलब बॉक्स इसका ऐसा है वीवो। एंड तो इस तरह का इसका डब्बा मिलेगा आपको। एंड बैक साइड में इस साइड में आते तो यहाँ पे वीवो कैमरा एंड म्यूज़िक, यहाँ वीवो IPL, वीवो टाइटल स्पॉन्सर। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेड इन इंडिया, चेकर F2403, GSM है, WCDM है, LTE L2 4G है फ़ोन। एंड इसका ने एंड इसमें आपको मिल जाता है एक हेडसेट जिसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, मैंने सुना उसका क्वालिटी हेडसेट का। एंड एक चार्जर मिल जाता है, USB केबल एंड 1 वारंटी कार्ड। सो इसको करते हैं हम अनबॉक्स, खोलते हैं बॉक्स। एंड जैसा कि देख रहे हैं कि यह है पूरा वीवो का फ़ोन, लुक काफ़ी ब्यूटीफुल है फ़ोन। इसे मैंने फेस लॉक लगा रखा है इसलिए खुल जाता है। सो पीछे से भी इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, ओके। काफ़ी देखिए यहाँ वीवो लिखा हुआ मिल जाता है गोल्डन कलर से। एंड यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि काफ़ी फास्ट, बहुत फास्ट है। यहाँ पे डबल कैमरा मिल जाता है विथ फ्लैश। सो इसका फिंगरप्रिंट मैं दिखा दूँ कि ये रही मेरी उंगली। एंड मैंने इसको की टच ओपन हो गया किया, टच ओपन हो गया। और इसका फेस लॉक भी काफ़ी फास्ट है। सो इसका फ्रंट कैमरा मिल जाता है यहाँ पे एंड सेंसर्स मिल जाते हैं यहाँ पे। सो ये रहा फ़ोन जो कि लुक्स में लुकिंग गुड है, मतलब काफ़ी बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो मैंने फ़ोन को चेक किया सिम उम लगा के, तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। और आप में से किसी एक यूज़र को मिलेगा ये फ़ोन जो कि लकी विनर होंगे। और मैं बता देता हूँ कि संडे को शाम को एक वीडियो आएगी, उसमें लकी विनर के नाम से ऐसा कुछ टाइटल होगा जिसमें वीडियो आएगी। सो उसमें पता चल जाएगा कि ये फ़ोन किसको मिलना है। तो अगर ये फ़ोन अगर आपको चाहिए, ये फ़ोन चाहिए, तो आपको करना है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड एक कमेंट करना है, ठीक है। दो कमेंट नहीं करना, सिर्फ एक कमेंट करना है आपको, ठीक है। मोबाइल के बारे में बताना है कि आपको मोबाइल क्यों चाहिए, मोबाइल में क्या अच्छा लगा, ठीक है। और सिर्फ एक कमेंट करना है और मिल जाएगा आपको फ़ोन। मैं सिलेक्ट करूँगा एक लकी विनर को, मेरे सब्सक्राइबर्स भी अभी ज़्यादा नहीं है, सो मिल जाएगा, हो सकता है आप भी हो सकते हो लकी विनर। एंड इसके कुछ फीचर्स बता दूँ कि इसका कैमरा क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, ओके, टू गुड। इसका कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर, मतलब मैं क्या बताऊँ फ़ोन, मतलब कैमरे से क्या बताऊँ। वैसे मैंने यूज़ किया तो इसका कैमरा क्वालिटी, अब वीवो का फ़ोन यार तो कैमरा तो गुड होना ही चाहिए। एंड इसमें आपको मिल जाता है 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल। सो फ़ोन मस्त है, ये मिल जाता है आपको कंप्लीट फ़ोन। एंड आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है इस फ़ोन के बारे में। और अब बताता हूँ इस फ़ोन के साथ क्या मिला है। तो इस फ़ोन के साथ मेरे को मिला था स्क्रीन गार्ड जो कि मैं इस फ़ोन पे लगा चुका हूँ, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है स्क्रीन गार्ड की। सो इस फ़ोन को रखते हैं साइड में।
और यहाँ पे आपको मिलेगा पिन इजेक्टर टूल। तो इसके अंदर होगा कुछ देखते हैं। हाँ तो इसके अंदर वही फालतू वाली किताब होगी जो कि हर बॉक्स में मिल जाती है आपको। इसको भी करते हैं साइड में एंड देखते हैं क्या मिलता है इसमें। ओके तो ये क्विक स्टार्ट गार्ड है जो कि हर बॉक्स में मिलता है, जो कि कोई भी नहीं पढ़ता। इसको भी रखते हैं साइड में। और फिर यहाँ पर मिलता है पिन इजेक्टर टूल जिससे आप अपना सिम कार्ड एंड मेमोरी कार्ड निकाल सकते हैं। इसको भी रखते हैं साइड में। इस बॉक्स में आप कुछ भी नहीं बचा तो इसको रखते हैं साइड में। और इसके साथ आपको मिल जाता है एक वीवो का कवर जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसमें ये भी काफ़ी मेरे को बढ़िया लगा क्योंकि ये आपको मतलब कि जो चार्जिंग पिन है उसके अंदर ये मतलब फिट हो जाता है, जिससे आप मतलब उसमें कुछ फालतू की चीज़ें मतलब धूल मिट्टी डस्ट अंदर ना जाए। तो इसको भी रखते हैं साइड में। सो ये कुछ चार्ज है जो कि मैंने फ़ोन अभी चार्ज किया था। सो चार्जर काफ़ी मतलब बढ़िया चार्जर है ये। तो वैसे लुक वाइज है ओल्ड चार्जर की तरह आपको दिख जाएगा ये भी चार्जर। तो इसको भी रखते हैं हम साइड में। एंड इसकी एयरफोन मेरे को काफ़ी बड़े लगे। लुक डिज़ाइन मतलब पूरा आईफोन की तरह है, एप्पल आईफोन की एयरफोन्स की तरह। बट ये वायरलेस नहीं है, लेकिन इसका क्वालिटी आपको मिल जाएगा काफ़ी गुड क्वालिटी। सो ये था हमारा फुल वीडियो। एंड को क्या करना है तो आप तो समझ गए होगे। तो फटाफट कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और एक प्यार सा कमेंट और मिल जाएगा आपको ये पूरा फ़ोन कंप्लीट। तो गाइस करना क्या है आपको इस वीवो के फ़ोन के लिए, सो आपको सिर्फ कर देना है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड एक प्यार से कमेंट कर देना है बस आपको फ़ोन के बारे में। और हो सकता है आप वो लक्की विनर निकल जाए जिसको ये फ़ोन मिल जाए। सो ये था पूरा मतलब वीडियो आज का बनाना है। आज बाइक के बारे में कोई वीडियो नहीं था, जो कि ये खड़ी हमारी RC KTM RC 200। सो इसके बारे में आज कोई भी वीडियो नहीं था। बट लुक वाइज मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद था गिव अवे करना, जो कि मेरे पास फ़ोन आया था जो कि हाँ। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस था। सो फ़ोन मेरे को किसने मतलब दिया गिव अवे करने के लिए, ये मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि उन्होंने मुझे मना कर रखा है। बट फ़ोन मेरे ही चैनल को मिलेगा, मतलब आप में से एक सब्सक्राइबर्स को मिल जाएगा फ़ोन। एंड संडे को याद रखना ठीक है, और 12 अगस्त को जो संडे है उसको शाम को आपको मिल जाएगा वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे ही गिव अवे विनर का। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।